जो है स्थिति को लेकर लोग लगातार जो है वो परेशान है। 48 घंटे से किसी भी तरह से रिकवर की खबर न होने की वजह से यहाँ पर अब उदयपुर के बाहर हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है वो हंगामा कर रहे हैं। क्या मांगे की है पुलिस प्रशासन से आप लोगों की बातचीत? 3 दिन हो गए, क्लियरली बता नहीं रहे कि भाई सिचुएशन क्या है। 1% चांस बोल रहे हैं, 1% सिचुएशन को लेकर बच्चे की क्या बताए? कुछ नहीं बता रहे, वो इसका राजनीतिक गेम खेल रहे, कुछ कुछ नहीं बता रहे। वेंटिलेटर पे डाल रखा है और 3 दिन हो गया उसको, 3 दिन हो गया, मर गया है। अभी ये देवर है, देवर है, इसलिए क्या कभी ढक दो, ठीक है ठीक है, ऐसे बोल रहे उसकी माँ को, क्या बच्चे को बाहर निकाल दो आप। देखिए आप यहाँ पर 3 दिन हो गया, क्या 3 दिन कौन सा ऑपरेशन चलता है सर? क्या बताया गया बच्चे की कंडीशन? 1% चांस है बस, और इस तरह से बोल रहे हैं ये प्रशासन की तरफ से। 3 दिन हो गया, स्थिर है, स्थिति स्थिर है, स्थिति स्थिर है, बस स्थिर के ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। 3 दिन में नेट बंद कर रखा, सब बंद कर रखा, नेट बंद करके क्या क्या नेट क्यों बंद कर रखा? बच्चा अच्छा है तो हम सबको न्यूज तो दिलाएंगे, नेट क्यों बंद? आप देख सकते हैं माता जी क्या क्या इसको क्यों माना लड़के को, वो हमारे साथ दे रहे उसने। अंदर बच्चे को लेकर कोई जानकारी, बच्चे को लेकर कोई जानकारी दी आप लोगों को? कुछ नहीं दी अभी तक, कुछ भी नहीं करा है। हमारे बच्चे को बाहर निकालो, सबके सामने देखेंगे हम, समझाइश करके अंदर लेके माता पिता को और अंदर फिट कर दिया, बाहर नहीं आने दे रहे ताकि यहाँ की पब्लिक घूम रहा हो। क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या हो रहा है, क्या क्या बताया गया है, क्या हो रहा है, क्या बताया गया आप लोगों को? हमारे साथ लड़कियाँ कर रही है, क्या हो रहा है हमारे साथ, बच्चों को शक्ल नहीं दिखाने दे रहे हमको। बच्चे बच्चे की कंडीशन को लेकर कुछ बातचीत? बिल्कुल, हमें तो शक के दायरे में है कि प्रशासन, मैं तो कहता हूँ कि प्रशासन पूरा शक के दायरे में है, प्रशासन सच नहीं बोल रहा है। तो आपने सुना कि किस तरीके से परिजन हो, आस पड़ोस के लोग हो या फिर रिश्तेदार हो, वो लगातार हंगामा काट रहे हैं अस्पताल के बाहर, इस बात की मांग कर रहे हैं कि छात्र की स्थिति क्या है, इसे लेकर आखिरकार सही जानकारी उनके परिजनों तक तो पहुंचाई जाए। लेकिन पुलिस की अगर बात करें तो वो मामले को नियंत्रित करने का दावा कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। दुखेगा ना, क्यों दुखेगा, क्यों? क्योंकि भाई डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि 1% चांस है। 3 दिन से दवाई चल रही है, अभी चांस 1% रह गया। बुलडोजर तो चला है जो चला है, पर है ना साथ में उस लड़के का एनकाउंटर होना चाहिए। बच्चे का इलाज निरंतर चल रहा है और मेडिकल प्रशासन अपनी पूरी मेहनत और जो भी विशेषज्ञों की टीम है वो लगातार लगी हुई है। जिंदगी और मौत की जंग लड़ेगा तो कोई भी माँ ऐसे ही बेसुध हो जाएगी। जब जिगर के टुकड़े की हालत हर घंटे नाजुक होती जाएगी तो कोई भी माँ बदहवास नजर आएगी। दिल में जब जब टीस उठेगी तो ममता ऐसे ही विकल हो उठेगी। उदयपुर में चाकूबाजी की घटना के बाद से माहौल गर्म है। परिवार ने अस्पताल में घुसने की कोशिश की लेकिन जाने नहीं दिया गया। अपने बच्चे को मां देखना चाहती थी लेकिन ऐसा न होने पर वो पागलों की तरह सड़क पर भागती नजर आई। एक बार बच्चे से मिलने की दरख्वास्त करती दिखाई दी। महाराजा भूपाल सिंह अस्पताल में घायल छात्र का इलाज चल रहा है तो दूसरी तरफ अस्पताल के बाहर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई है। जिन्होंने हॉस्पिटल में घुसने की कोशिश की तो रोक लगा दी गई, जिस पर भीड़ उग्र हो गई। उसकी बॉडी ठंडी हो गई है तो, और आंखें के शायद उनकी पट्टी वट्टी लगा रखी है तो उनको थोड़ा सा डाउट हो गया कि मेरे बच्चे को क्या हो गया। जब डॉक्टर से बात हुई है हमारी, डॉक्टर ने कहा है 1% चांस है और ऐसी चल रही है, उस वजह से बॉडी ठंडी हो गई है। फादर और भाई साहब एक और थे उनके साथ, वो दोनों स्थिति की जानकारी लेके आए हैं। उनके फादर ने संतुष्ट किया अभी बच्चे की दुआ मतलब प्रार्थना करने की अभी स्थिति है, प्रार्थना करिए। दिल तो दुखेगा ना, क्यों दुखेगा, क्यों? क्योंकि भाई डॉक्टर लोग बोल रहे हैं 1% चांस है, 1% चांस की कोई गारंटी पक्के 1% से बोल 3 दिन हो गए, 3 दिन के बाद अभी तक 1% नहीं चल रहा, फिर आगे रिकवरी में समय लगता है। रिकवरी में 3 दिन 1% होना बढ़ना चाहिए ना, कुछ तो कुछ बढ़ना चाहिए ना। 3 दिन में कुछ असर बढ़ना तो चाहिए ना। 3 दिन से दवाई चल रही है, अभी चांस 1% रह गया। हमारी मांग भी है, ये भी है कि बुलडोजर तो चला है जो चला है, पर है ना साथ में उस लड़के का एनकाउंटर होना चाहिए। बस चाकूबाजी पर उदयपुर में आक्रोश है, सड़क पर परिवार है तो इंसाफ की मांग कर रहा है।
जिनका साफ कहना है कि अगर बच्चा सही है तो मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं। बच्चे की हालत नाजुक होती जा रही है और डॉक्टर स्थिति को छिपा रहे हैं। बिल्कुल दिखा रहे, दिखाओ बच्चा कैसा है, कैसा है? हाथ लगा के बताओ उनको, मम्मी पापा को हाथ लगा के बता के आओ उसको क्या कैसा उसको। आपको भरोसा है कि नहीं है? इलाज तो डॉक्टर ही करेगा ना, डॉक्टर ही करेगा, लेकिन हमको भरोसा टूट गया है। आप क्या पूछ रहे हो, आपको ये समझ में नहीं, तीन दिन से क्या कर रहे हैं हम, तीन दिन से भरोसा ही कर रहे हैं क्या, क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं फिर? आप कह रहे हो भरोसा करो तो तीन दिन से किसका भरोसा कर रहे हैं, भरोसा किसने कर रहा है ना उसको लाके यहाँ पे? मांगे क्या है आपकी, मांगे क्या है? उधर दूसरी तरफ मुखर्जी चौक बाजार से हाथी पोल बाजार तक भीड़ ने विरोध रैली निकाली, जय श्री राम के नारे के साथ हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग की। तो यहां पे आप देख सकते हैं नारेबाजी करते हुए परिजन हैं और यहां पे बेसुध जो मां है वो यहां पे मौजूद है और यहां पे तमाम जो लोग हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। वो मां है जो बेसुध है और अभी बेसुध तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं उस माँ को, जो जिसका बेटा जो है वो अभी जिंदगी और मौत के बीच में अस्पताल में है। और यहाँ ये तस्वीरें महेश लगातार आप दिखा रहे हैं, ये ठीक पीछे महिलाएं हैं, भारी तादाद में महिलाएं हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से उदयपुर के अंदर हॉस्पिटल में लगातार परिवार और उसके समाज के साथ साथ हिंदू संगठन जो है वो जुटे हुए हैं। तनाव बढ़ता देख पुलिस ने कमर कसी, भारी संख्या में पुलिस बल डिप्लॉय की गई और लोगों को समझाने की कोशिश हुई। उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह अस्पताल के बाहर, ठीक है आप जो भीड़ देख रहे हैं ये पीड़ित परिवार और उनके समाज और हिंदू संगठनों की है और यहाँ पे पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोका हुआ है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, हत्यारों को फांसी दो ये नारे लगा रहे थे। उनका एक बड़ा आरोप है कि अभी तक जो कार्रवाई है उससे वो संतुष्ट नहीं है, लेकिन अब पीड़ित परिवार जो है उसको उसके बेटे से मिलाने के लिए पुलिस और डॉक्टर्स की एक टीम जो है अस्पताल में लेकर के गई है। बच्चे का इलाज निरंतर चल रहा है और मेडिकल प्रशासन अपनी पूरी मेहनत और जो भी विशेषज्ञों की टीम है वो लगातार लगी हुई है और बच्चे की तबीयत पर निगरानी रखे हुए है। कुछ कन्फ्यूजन्स परिजनों के बीच में और समाजजनों के बीच में ये आए कि साहब बच्चे की लेटेस्ट स्थिति के बारे में उनको अपडेट नहीं मिल रहा है, इस बात को लेकर के उत्सुकतावश वो यहाँ पर एकत्र हुए थे। उन्हें समझाइश की गई है और उन्हें प्रशासन के जिम्मेदार लोगों की लिस्ट और उनके मोबाइल नंबर और मेडिकल प्रशासन के जिम्मेदार लोगों की लिस्ट उन्हें उपलब्ध कराई गई है कि वे जब भी चाहें किसी भी वस्तु स्थिति से निपटने के लिए या कोई भी समस्या है तुरंत उनसे बात कर सकते हैं। पुलिस भले दावा कर रही हो कि उदयपुर में स्थिति सामान्य है, लेकिन लोगों का विरोध कुछ और ही बयां कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार आज एक बड़ा फैसला